वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। यदि बनाना हो अपना घर, ये राज्य सरकार फ्री में देगी रेत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के चितरंगी कस्बे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी रेत नीति में संशोधन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए रेत मुफ्त में मिल सके। चौहान ने कहा कि पीएमएवाई के लाभार्थियों को रेत की ऊंची कीमतों के कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि पीएमएवाई लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में रेत मिलेगी। एमपी में नर्मदा पर बन रहा विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क, दुनिया का नवा अजूबा। मध्य प्रदेश में नवा अजूबा बन रहा है। जी हां, खंडवा में जो संरचना बन रही है उसे अगर अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोलर पार्क के बन जाने से प्रदेश की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा होगी, आदिवासी वोट की वापसी। मध्य प्रदेश के चुनाव में आदिवासी वोट की अहमियत का एहसास 2018 के विधानसभा चुनाव में कर चुकी भाजपा के लिए उपचुनाव में चुनौती बनी हुई है। खंडवा लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में आदिवासी वर्ग की निर्णायक भूमिका तय है। खंडवा और जोबट सीट पर इस वर्ग को साधना भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। ऐसे में सरकार की आदिवासी वर्ग के कल्याण की योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने की कवायद तेज हो गई। बारिश में खराब हो गई 3000 किलोमीटर सड़कें, निगम 70 करोड़ रुपए खर्च करेगा, पीडब्ल्यूडी और सीपीए भी सवारेगा। राजधानी भोपाल की बारिश में खराब हुई 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों की रिपेयरिंग आज 6 अक्टूबर से शुरू होगी। नगर निगम करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करेगा, वहीं पीडब्ल्यूडी और सीपीए भी अपनी सड़कों की सुध लेंगे। तीनों निर्माण एजेंसीज ने कमिश्नर कविंद्र कियावत को डिटेल प्लान सौंप दिया। कमिश्नर ने हर हाल में 20 दिन के भीतर सड़कों की तस्वीर बदलने को कहा है। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों की आर्थिक मदद करेगा बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें ऐसे बच्चों की वित्तीय सहायता की जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया। अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह के नेतृत्व में 4 अक्टूबर को ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अक्टूबर को करेंगे एमपी में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में से 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। साथ ही सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे जनकल्याण और स्वराज अभियान में स्वामित्व योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले से शामिल होंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, 6000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में इन दिनों डेंगू के आंकड़े बढ़ने से सभी को चिंता में डाल दिया। सरकार के जागरूकता अभियान के बीच कई जिलों में डेंगू के मरीज कम नहीं हो रहे। देखते ही देखते प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या 6000 से ऊपर निकल गई। मंदसौर जिले डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया। प्रदेश में अब डेंगू डरा रहा है, आए दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान, सारी प्रक्रिया पूरी, जल्द घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम। आगामी दिनों में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से, जहां कांग्रेस ने स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया, वहीं बाकी 3 सीट्स पर मंथन चल रहा है। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि कहा जा रहा है कि 4 सीट्स पर नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा गया। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। 40,000 कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम की छूट, कटेगी सैलरी। भारत में न्यू वेज कोड अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका की अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला लिया। पीडब्ल्यूसी कंपनी ने करीब 40,000 कर्मचारियों को हमेशा के लिए घर से काम करने की छूट दे दी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लागू की गई हैं, जिसके तहत छोटे शहरों से फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाएगी। पेट्रोल की महंगाई जेब पर भारी, अब सीएनजी को अपनाने लगे कार मालिक।
पेट्रोल के दाम जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। इस महंगाई का नतीजा ये रहा कि कार चालक पेट्रोल छोड़ अब सीएनजी को अपनाने लगे। पेट्रोल की तुलना में सीएनजी 38.96 रुपए सस्ती पड़ रही है और एवरेज भी अच्छा मिल रहा है। पेट्रोल की तुलना में सीएनजी से गाड़ी चलाना सस्ता पड़ने पर जिले में पुरानी 1380 पेट्रोल कारें सीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। 2100 नए चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा छोटे यात्री वाहन भी सीएनजी से दौड़ने लगे हैं। ऑटो भारी वाहनों के रवैये से त्रस्त हो चुके वाहन चालक जब्त वाहन न्यायालय से छूटेंगे। शहर में सड़क पुल और सीवर निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है, जिससे वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी ऑटो चालक और पानी के टैंकर समेत अन्य भारी वाहन अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और घंटों जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑटो चालकों के इस रवैये को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है तो वो कार्रवाई होने तक ठीक रहते हैं, इसके बाद वापस अपना पुराना रवैया अपनाने लगते हैं। सीएम शिवराज ने कसा विपक्ष में वंशवाद पर तंज। झाबुआ दौरे को लेकर कांग्रेस बोली, आंखों में धूल झोंक रहे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में इन दिनों चार सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। उपचुनाव में दोनों ही पार्टीज ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं सीएम शिवराज के झाबुआ दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि जब आम आदमी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तब हमारे मुख्यमंत्री कहां थे। वहीं सीएम शिवराज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन में विकास की सौगात देने के साथ ही सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज बारिश के आसार, बिजली गिरने का भी अलर्ट। मध्य प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ते ही विदाई की ओर अग्रसर हो रहा है। वातावरण में लगातार नमी की कमी के चलते दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 5 दिनों बाद 10 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई हो सकती है। हालांकि दूसरे राज्यों में बने सिस्टम के कारण कई जिलों में बौछार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई, वहीं 12 जिलों में बिजली गिरने और चमकने के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों को राहत, अब एनपीएस से हो सकेंगे ऑनलाइन एग्जिट। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब नेशनल पेंशन स्कीम से एग्जिट होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस योजना से अब वो ऑनलाइन पेपरलेस एग्जिट प्रोसेस को अपना सकते हैं। इससे पहले ये ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए था, जो ऑनलाइन एग्जिट प्रोसेस की एंड टू एंड सुविधा का आनंद ले रहे थे। बिजली संकट के मुहाने पर बैठा है देश, जल्दी आपकी जेब तक पहुंच सकती है समस्या। पिछले कुछ दिनों से चीन से बिजली संकट को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। चीन में बिजली संकट के चलते दुनिया भर के लिए वहां से होने वाले उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हुई है। दूसरे देशों की कई कंपनीज भी बता रही हैं कि उनका कामकाज बिजली की वजह से प्रभावित हुआ है। इलेक्ट्रिक नहीं, इसका है भविष्य। यूरोप में 3000 किलोमीटर के सफर पर निकली सोलर कार। देश में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से कार के शौकीन लोगों का एक बड़ा वर्ग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विकल्प तलाश रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में अब भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। इस कारण बाजार में तमाम कंपनीज के इलेक्ट्रिक वाहन आ जाने के बावजूद उनकी मांग बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे में दुनिया इलेक्ट्रिक वाहन से आगे की तकनीक पर काम कर रही है। दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश नीदरलैंड में छात्रों की एक समूह ने पूरी तरह से सक्षम सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक वैन विकसित की है, जिसकी छत पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर अब और सख्त होगी कार्यवाही। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर अब और अधिक सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। पुलिस इस मामले में अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज करेगी। इस आशय के आदेश पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं। इस तरह से छेड़छाड़, दुष्कर्म या अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में मुख्य अपराध के तहत धाराओं का उपयोग किया जाता था। अब इसमें मूल अपराध के साथ घूर कर देखने, गलत नियत से छूने जैसे अपराधों की धाराएं भी शामिल की जाएंगी। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, 25,000 तक बढ़ सकती है पेंशन। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्दी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तय किया। ऐसे में जल्द कर्मचारी भविष्य निधि देने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है, जिसके बाद पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकारी पद पर निकली वैकेंसी, 1.5 से 2 लाख तक होगा वेतन। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी एमपीपीईबी द्वारा भोपाल में परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए आवेदन करने का बुलावा दिया है। पद के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। एमपीपीईबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती के लिए पंजीकरण फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया गया है। उम्मीदवार 11 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक बोर्ड की एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट से इस फॉर्म को भरकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जल्द आ सकती है 12 वर्ष से ऊपर के लिए कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी तीसरे चरण की अनुमति। भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला को अपनी दो खुराक वाली कोविड 19 वैक्सीन जाइकोव डी के तीसरे चरण के लिए परीक्षण के लिए भारतीय दवा नियामक यानी डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई। कैडिला हेल्थकेयर ने अपने नियामक आवेदन में कहा कि कंपनी को दो खुराक कोविड वैक्सीन के लिए तीसरे चरण के परीक्षणों के संचालन की अनुमति मिली है। पहली डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी ऐसी पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन भी है जिसका बच्चों में परीक्षण किया गया है। डीजल में 1.19 व पेट्रोल में प्रति लीटर 1.21 रुपए का इजाफा। मंगलवार को जिले में पेट्रोल व डीजल के दामों में 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। छतरपुर में डीजल के दाम 101.60 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। वहीं पेट्रोल 112.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मंगलवार को डीजल के दाम में 1.19 रुपए व पेट्रोल के दाम में 1.21 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। जिले में पेट्रोल के दाम मई में ही 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर निकल गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से ही पेट्रोलियम पदार्थों में महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। रूस से जलता रहा S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं बाइडेन। चीन से बढ़ते खतरे के बीच भारत को जल्द ही रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि रूस में निर्मित यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। S-400 के भारत आने की बढ़ती संभावना के बीच अब अमेरिका से बड़ा झटका लगने की भी आशंका बढ़ती जा रही है। उपचुनाव से पहले सिंधिया का बड़ा बयान, हर चुनाव लिटमस टेस्ट, जीतेंगे चारों सीट। मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि कोई एक चुनाव लिटमस टेस्ट नहीं होता, हर चुनाव लिटमस टेस्ट होता है और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम चारों उपचुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में इन पदों पर निकली है भर्ती, अच्छी मिलेगी सैलरी, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 5 अक्टूबर से शुरू हो गई और 4 नवंबर 2021 आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कमेटी अमान्य, अब रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे जांच। हाईकोर्ट ने तल्क टिप्पणी में कहा कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मामले में जांच कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि विश्वास कायम रहे। इस जांच कमेटी में कंप्यूटर व साइबर एक्सपर्ट के अलावा डीआईजी स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय जांच कमेटी को अमान्य कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में नई जांच कमेटी गठित करने के सख्त निर्देश दिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।